ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र के देहला में भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद और भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेताओं ने महिला कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने भाजपा के घोषणा पत्र को जनहितैषी करार दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए अनुराग ने कहा कि रामलाल ठाकुर बताएं कि कांग्रेस ने खेलों को खत्म करके नशे को बढ़ावा क्यों दिया। मुझे लगता है क्रिकेट को जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में पहले खत्म किया, कांग्रेस पार्टी जो खेलों को खत्म और नशे को बढ़ावा देती है, उनसे पूछना चाहिए नशों को बढ़ावा क्यों दिया, खेलों को खत्म क्यों किया और हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क क्यों किया। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा सदैव राम मंदिर की पक्षधर रही है, लेकिन राहुल गांधी के इशारे पर ही इनके वकील इस मुद्दे पर तारीख दर तारीख लेकर इसे टालते रहे। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी सम्मेलन में विशेष रूप से उपस्थित रहे। कांग्रेस जैसी ओछी राजनीति कोई नहीं कर सकता। भगवान राम हमारे लिए आस्था की बात है। हमने लगातार राम मंदिर के पक्ष में बात कही है और मैं ये भी कह दूं, अगर राम मंदिर को रुकवाने का काम किसी ने किया है तो रामलाल जी को पता होना चाहिए कि इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी जी के निर्देश पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख कांग्रेस के नेताओं ने कोर्ट में ली है और राम मंदिर को रुकवाया है। मुझे लगता है देश को आगे ले जाने के लिए जो नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में काम किया है, उसको और गति देने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये संकल्प पत्र बहुत कुछ कहता है कि समाज के हर वर्ग को सबका साथ सबका विकास करके आगे ले जाएंगे। किसानों की आय दुगनी होगी, पेंशन भी मिलेगी, समाज में और आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार करेगी।